हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदी। तो आज से हमारी एक मैराथन सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, BHU के स्टूडेंट हो, तो आज से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है जिसमें मैं आप सबको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी विद डिस्कशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर आप किसी और भी हिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये आज की हमारी पहली क्लास होगी। जैसे आप सभी को पता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं। 15 मई आपकी लास्ट डेट है। अप्लाई अभी तक हम नहीं किया तो आप सभी कर लो। और आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में हो सकते हैं। डेट अभी नहीं आई है, डेट जब भी आएगी तो मैं आप सबको बता दूंगी। तो अभी से हम अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आप सबके लिए, मैंने यहाँ पे सबसे पूछा भी था, पोल लगाया था मैंने, और सबसे पूछा था कि मैं किस पे वीडियोस लेकर के आऊँ। तो आप सभी ने कहा कि हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आप स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज से आपकी ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो रात के 9:30 बजे आपको हमेशा तैयार रहना है चैनल पे, और ये आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँ, तो आपको वो सारे टॉपिक्स नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे, वहाँ पे मैसेज के थ्रू आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो आपको जिस भी टॉपिक पे हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ना है आप लोग वो कर सकते हैं, और बाकी हमारी ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलती रहेगी। अगर आप लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहा, लाइक शेयर आपने अच्छे से वीडियो को करा, तो ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी और मैं आपकी बहुत अच्छे से तैयारियां करवा भी दूंगी। जैसे आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में बहुत से स्टूडेंट ने क्लियर भी किया है, हमारी मैराथन्स की जो वीडियोस चली थी, और ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहे थे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हों चाहे BHU के। तो इसीलिए कह रही हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना, सीरीज में जुड़ जाओ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। रात के 9:30 बजे आप लोगों को आना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितने भी सोशल मीडिया सब पे लाइक शेयर कर दो और इस सीरीज़ में जुड़ जाओ। और देखो कि अगर आप लोगों ने अब तक जितनी भी पढ़ाई करी है, जितना भी स्टडी कर लिया है, तो अब आप लोगों को क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं या कर पाएंगे? तो चलिए, इतना याद रखना मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आप सबको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके साथ ही साथ बताना है। आपकी इन्वॉल्वमेंट साथ साथ रहेगी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस वाले सेक्शन में वीक है, और आप उस टॉपिक को फिर स्ट्रांग बनाइए। 2 महीने आपके पास, तैयारी अभी से अच्छे से कीजिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, और देखते हैं कि किसके कितने अच्छे स्कोर होते हैं और किसने कितना अच्छा अपना यहाँ पे स्कोर किया है। नाउ स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आपको मेरे क्वेश्चन रीड करने तक इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? द स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला वॉज बिल्ट बाय, आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, खारवेल के द्वारा, अमोघ वर्ष के द्वारा, या फिर चामुंडा राय के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को क्वेश्चन के राइट आंसर देने हैं। जिस भी स्टूडेंट का अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि देखो आप सब टॉपिक पढ़ ही रहे होगे हिस्ट्री के, ठीक है, चाहे एंशियन हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हो। अब बारी आती है क्वेश्चंस करने की। तो अगर आप लोग एक तरीके से ये समझो कि आपका ये मॉक टेस्ट चल रहा है और आपको ये देखना है आपने जो पढ़ा है आप इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो वो आप फिर ठीक कर सकते हो। 2 महीने हैं इसीलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट कर दी है, तो अगर मैं तैयार हूँ तो आपको भी तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जो है स्टूडेंट, वो बनाई गई थी आपकी चामुंड राय द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता भी देती हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो ये चामुंड राय ने कब बनाया था, 981 AD में, ठीक है, 981 ईस्वी में। आप ये गंगा योद्धा है चामुंड राय, इन्होंने ये बनाया था, ठीक है,
ये विंध्यगिरी पहाड़ी की चोटी पर ग्रेनाइट और करगे की एक ब्लॉक से बना हुआ है। आप इस फिगर में देख सकते हो साफ साफ, ये कुछ इस तरीके की नजर आती है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, टाइम पीरियड भी याद रखना और ये भी याद रखना कि ये ग्रेनाइट और लूम से बना हुआ है। कहाँ पर? ऑन द टॉप ऑफ विंध्यगिरी हिल, विंध्यगिरी पहाड़ी पर। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताइए ये वाला क्वेश्चन किस किस स्टूडेंट का सही हुआ। अगर किसी का गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अभी आपका प्रैक्टिस चल रहा है, यहाँ गलत होगा लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और भी चीजें देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाहुबली ऑल्सो कॉल्ड गोमतेश्वर। तो याद रखना ये जो गोमतेश्वर है इसको बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम जैन धर्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट बात करेंगे तो ये पहले तीर्थकर थे। कौन? आपके ऋषभ और पोदनपुर के राजा के 100 पुत्रों में से ये दूसरे थे। ठीक है, इनके कितने? 100 बच्चे थे, 100 बेटे थे, जिसमें से ये दूसरे नंबर के बेटे आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे बाहुबली की एक अखंड मूर्ति जिसे गंगावश के मंत्री और कमांडर चामुंडराय द्वारा निर्मित गोमतेश्वर कहा जाता है। ठीक है, तो एक मोनोलिथिक स्टैचू है याद रखना, जिसको हम गोमतेश्वर कहते हैं, जो बिल्ट हुआ था किस दौरान? आपकी गंगा डायनेस्टी के दौरान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ 60 फीट की आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, और कर्नाटक के हासन जिले में श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी के ऊपर ये स्थित है। जगह भी याद रख सकते हो, कर्नाटक। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइम में कर्नाटक भी आपको दे सकता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कब बनाया गया था? 10th सेंचुरी AD यानी 10 शताब्दी ईसवी में ये बनवाया गया था। तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड आपको ये पता होनी चाहिए। मेरी पूरी यही कोशिश है, आपको मैं एक क्वेश्चन करा रही स्टूडेंट, तो इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इसको बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये 10th सेंचुरी AD में आपको देखने को मिलता है हसाना डिस्ट्रिक्ट जो कि कर्नाटक में है। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि ये मूर्ति या स्टैचू आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अलावा पता होनी चाहिए। तो ये सारे नोट्स आप इसके अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये रहा सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन पूछा गया है अच्छा जियो जब तक जियो, उधार लेकर भी अच्छे से जिए, एक बार दाह संस्कार करने के बाद कोई वापस नहीं होता है, जीवन के बाद की अस्वीकृति किसकी एक सूत्र है? आपको बताना है लाइफ वेल एज लॉन्ग एज योर लाइफ, लाइफ वेल इवन बाय बोरोइंग फॉर वंस, क्रेमेटेड देयर इज नो रिटर्न, द रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन अपोजम ऑफ द। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर कपिला संप्रदाय, नागार्जुन का शून्यवाद, आजीविका या फिर चावरा कसी। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने ये आपको किस सूत्र में ये आपको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चार्वाकाज। ठीक है, तो इस अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको आपको इसका राइट आंसर क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको इस वाले सूत्र से देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, तो आशा करती हूँ कि ये कोई भी गलत नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एज अ पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा प्रयोग जो है उत्तर वैदिक का विकास था। आपने पढ़ा होगा पोस्ट वैदिक पीरियड में हमारा जो डेवलपमेंट हुआ उसका सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से? धर्म अर्थ काम मोक्ष था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र। ठीक है, और गलत मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, या फिर ब्रह्मचार्य, ग्रह गृहश्रम, वानश्रम या सन्यास, लास्ट है इंद्र सूर्य रुद्र और मारुति। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है उत्तर वैदिक का ये जो डेवलपमेंट आप देखने को मिलता है वो क्या था सीक्वेंस। ठीक है, इसका विकास आप जो देखोगे इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो अगर आप सबने ये पढ़ा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर ये आपके एग्जाम में आएगा, तो हमने देखा कि उत्तर वैदिक का जो विकास होता है, पहला आपका होता है ब्रह्मचार्य, फिर होता है आपका गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। अब इसको समझते हैं, आप सभी को पता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। आप सभी को पता है, सबसे पहले हमारा जो स्टेट होता है वो ब्रह्मचार्य होता है, यानी कि आप स्कूल जाते हैं, आप स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, पढ़ते लिखते हैं। उसके बाद आपका गृहस्थ होता है, यानी कि आपकी क्या होती है, शादी होती है, आप घर देखते हैं, ये सब देखते हैं। फिर आपका एक स्टेज आएगा, वो आएगा वन प्रथा, जब आप जंगल में चले जाएंगे, आश्रम, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, आपने जॉब वॉब की। फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब आप क्या हो गए, सब कुछ, लास्ट आप देखोगे संन्यास बन जाओगे, इट मीन्स आश्रम वाश्रम में सब कुछ छोड़ दोगे। इट मीन्स ये आपका, अगर देखोगे तो ये आपका बचपना होता है, चाइल्डहुड से। अब आप यहाँ कहाँ पे चले गए, आपके अडल्टहुड में, ठीक है। तो ये आपकी स्टेज होती है, पहले ब्रह्मचार्य होते हैं, हम स्टूडेंट होते हैं, जहाँ पे हम नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। देन फिर नेक्स्ट होता है आपका गृहस्थ, यानी घर संवारते हैं, ठीक है, घर की चीज़ें करते हैं, काम जो भी होता है। उसके बाद आपका आता है रिटायरमेंट, जब आप जॉब वॉब कर लेते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब हम रिटायर हो जाते हैं, और लास्ट हम सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हो जाते हैं, संन्यास हो जाते हैं। चलो हो गई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो आपको याद रखना है, ये सही है। मेरे को पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका आंसर जो है ऑप्शन सेकेंड लगाया होगा, बट स्टूडेंट मैंने आप लोगों से वरना सिस्टम के बारे में नहीं पूछा है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम डिवाइड किस तरीके से हुआ था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो हाँ यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया है, ताकि आज भी बहुत से स्टूडेंट का आंसर यहाँ गलत भी हुआ है। और ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, डेवलपमेंट पूछा है तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, बी नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आपका कास्ट सिस्टम है, ये डिवीजन हुआ था हमारी सोसाइटी में, ठीक है, ये आप सभी को पता है। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया, तो अगर गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो रहा है, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, आपको बताना है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, अमृतसर, पाटलिपुत्र, लाहौर या फिर कपूरथला। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट को, कि महाराजा रंजीत सिंह की जो राज्य की राजधानी थी वो थी आपकी लाहौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बन लिखा भी है, जुलाई 1799 की बात हो रही है, जब इन्होंने लाहौर को सीज कर लिया था, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया था। उस समय आप ये देखोगे, ये पंजाब की कैपिटल थी, पंजाब की राजधानी थी, लेकिन ये आज आप इसको देखोगे, ये पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1801 की अगर हम बात करें, तो रणजीत सिंह ने अपने आप को क्या, महाराजा ऑफ पंजाब, ठीक है, इसने अपने आप को ही पंजाब का महाराजा जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया था 1801 में। ये बात भी याद रखना, ठीक है, कि महाराजा ऑफ पंजाब किस रूलर ने अपने आप को बोला था, कौन सा वो राजा था, तो वो रणजीत सिंह था, जो कि 1801 में इन्होंने अपने आप को ये घोषित कर दिया था। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए, ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेरे पंजाब और लॉयन ऑफ पंजाब, यानी कि शेरे पंजाब और पंजाब का शेर भी उन्हें कहा जाता है, किसे, रंजीत सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रंजीत सिंह ने पहली बात तो स्टूडेंट अपने आप को पंजाब का महाराजा डिक्लेयर किया, और इन्हें शेर ऑफ पंजाब और लॉयन ऑफ पंजाब, यानी शेरे पंजाब और पंजाब का शेर भी इन्हें कहा जाता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा आपको। अभी तक मैंने ये क्वेश्चन कराया, तो मेरी यही कोशिश रहती है स्टूडेंट कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, लेकिन उसके अलावा भी उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछा जा सकता है। तो आपको ये दूसरी बात याद रखनी है, पहले तो उन्होंने लाहौर को सीज किया था और फिर उसको अपनी कैपिटल बनाया था। दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने अपने आप को पंजाब का महाराजा घोषित किया था, और इन्हें शेरे पंजाब और लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी नोट डाउन कर लेना, जहाँ भी आप ये नोट करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है,
कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख है वो आपको कौन से सोर्स से देखने को मिलेगा? द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन इन द इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख से देखने को मिलता है, ऐहोल शिलालेख से, अल्पाडू अनुदान से, या फिर हनुमान कोंडा शिलालेख से। तो बताओ कि जो कालिदास का नाम हमें ये पता चलता है, इसका उल्लेख आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, आपको सारे इंस्क्रिप्शंस पता होने चाहिए, सारे सोर्सेज पता होने चाहिए। मैंने ऑलरेडी इंस्क्रिप्शन पे, शिलालेख पे वीडियो बनाई है, कुछ 3 हिस्सों में, कुछ 5, ठीक है, कुछ 3 पार्ट में हमने इस इंस्क्रिप्शन को ख़त्म किया है डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो इंस्क्रिप्शन की एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, नहीं तो आप एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी इसको चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कवि कालिदास का जो नाम का उल्लेख है वो आपको ऐहोल शिलालेख में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी समझ लो कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम ऑफ कालिदास, द इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट द ऐहोल इन कर्नाटक। तो आपको यही पता होना चाहिए कि पहले तो ऐहोल का जो चीज आपको देखने को मिलता है, जो ऐहोल आपको अभिलेख देखने को मिलेगा, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? कर्नाटक में, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए। फिर हम अगर बात करें ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा किसने था, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, जो कि चालुक्य किंग यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का कोर्ट पोएट था, ठीक है, और इनका टाइम पीरियड 610 से 642 सेंचुरी यानी AD ईस्वी के दौरान था। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि कालिदास जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन में ये नाम मेंशन है। दूसरा आपको याद रखना है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो किसने, रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है, ऐहोल अभिलेख जो है, शिलालेख जो है, वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, और रवि कीर्ति कौन था, चालुक्य का राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके दरबारी थे, उनके कोर्ट पोएट थे जिन्होंने लिखा था, और इनका शासन का टाइम पीरियड लिख लो 610 से 642 टाइम पीरियड तक है, CE तक, ठीक है, नहीं तो AD ईस्वी तक। ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, अगर वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, स्कोर बताते रहो कितना आप लोगों ने यहाँ तक स्कोर किया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग व प्राचीन भारत के इनमें से महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन से थे? अब क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टेड कल्याणा विद वेंजी। आपको बताना है स्टूडेंट कि प्राचीन भारत के समय में, आपका एंशियंट इंडियन के दौरान, जो ट्रेड रूट है आपका कल्याण से वेंजी के साथ जो ट्रेड था, ठीक है, वो कौन सा ट्रेडिंग सेंटर था इंपॉर्टेंट, किसके साथ जुड़ा था? आपके ऑप्शन है तगार, सिरपुरा, त्रिपुरारी या ताम्रलिप्ति, ठीक है। आपके ऑप्शंस आप सबको समझ में आ गए, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्योंकि आप लोगों से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप UPSC UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए तगार। तो तगार है जो कल्याण को वैंगी से जोड़ने वाले व्यापार मार्ग पर प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में से था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बता देना किस किस का ये करेक्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सहायक गठबंधन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंड द सब्सिडायरी अलायंस वॉज। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि सब्सिडायरी अलायंस का क्या मतलब था, ठीक है, सहायक गठबंधन का यहाँ पे क्या मतलब था, तो ये आपको बताना है। तो पहला भारतीय शासक कौन था इसमें, अवध के नवाब, हैदराबाद के निज़ाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, या फिर आपके त्रावणकोर के राजा, ठीक है। तो आपके जो सब्सिडरी अलायंस जो है, हमारे पहला इंडियन रूलर कौन था जिसने ये ज्वाइन किया था, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निज़ाम, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद।
हैदराबाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपको, ऑप्शन नंबर बी, ये पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने सब्सिडाइज अलायंस को ज्वाइन किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, सब्सिडाइज अलायंस की सिस्टम की हम बात करें स्टूडेंट, तो इसको सबसे पहले जो यूज़ किया था किसने, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति की सीमा के भीतर लाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इन्होंने क्या करा, जितने भी इंडियन स्टेट हैं इसको ब्रिटिश के पॉलिटिकल पावर के अंदर में लाने के लिए इन्होंने सब्सिडरी अलायंस का यूज़ किया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग आप देखें तो आप यहाँ देख सकते हो द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद देखोगे तो सभी शासकों में सबसे ज़्यादा क्या थे, कमज़ोर था, और ये पहला क्या था आपका, इंडियन रूलर था जिसने 1798 में, 1798 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सब्सिडर अलायंस को एक्सेप्ट किया था और ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंडर में आया था। इन्होंने क्या किया, सब्सिडर अलायंस को एक्सेप्ट किया, ये पहला रूलर था, याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा फीबलेस्ट यानी कि वीक रूलर था ये, ठीक है। तो इसने क्या करा, 1798 में इसे सब्सिडर अलायंस को एक्सेप्ट करा और फिर ये ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंडर में आ गया। आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे सब्सिडर अलायंस क्या था, ठीक है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और मे भी बहुत से स्टूडेंट को इसका मतलब पता होगा, तो ये सब, अब ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सब्सिडर अलायंस क्या था, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी मॉक टेस्ट की तरह लेते हुए, चलिए 2 महीने बचे हैं, जो बच्चा लापरवाही करेगा तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई अब सोचेगा कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे अभी क्या, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो और करने के बाद मैं जो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपनी तरफ से मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर करो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ओके स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन है, कहा जाता है कि इनमें से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया, याद रखना यहाँ पर मैंने कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ऐड किए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो डीओ और बीएचयू में पूछे गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव विटनेस द रीजन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान, तो किसने ये कहा था कि दिल्ली सुल्तान में आपको 8 दिल्ली सल्तनत देखने को मिलते हैं, जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज अफीफों ने, या फिर मिनाज उस सिराज ने, या फिर अमीर खुसरो ने। जल्दी से बताओ, जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए सिराज, मिनाज ए सिराज या फिर अमीर खुसरो, इनमें से कौन था जिसने बोला था कि 8 दिल्ली सल्तानों का यहाँ पे इन्होंने पूरे इन सबके शासन कालों को देखा था। जब भी आपके बाबर आए, अकबर आए, ठीक है, सॉरी आपके बाबर आए, ठीक है, औरंगजेब, इन सबकी दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक आए आपके, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आए, तो इन सबके रूलर के समय पर आपको कौन से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो है आपके अमीर खुसरो, जिन्होंने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अब आप अमीर खुसरो से रिलेटेड बात देख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अमीर खुसरो से, तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। अमीर खुसरो का टाइम पीरियड याद रखना 1253 से 1325 है। इनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है, कवाली का पिता इन्हें कहा जाता है। ये एक इंडियन क्या थे, म्यूजिशियन, स्कॉलर और पोएट थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये संगीतकार थे, विद्वान थे और कवि भी थे, ठीक है, और ही वॉज अ आइकॉनिक फिगर इन द कल्चर हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक बात याद रखना, ये पहले विटनेस हैं जिन्होंने 8 दिल्ली सुल्तानों को देखा था। कहाँ से, गियासुद्दीन बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में जितने भी रूलर आते हैं एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अमीर खुसरो ने जो 8 सुल्तानों के टाइम पीरियड पर ये रहे थे, जिन्होंने इनके शासनों को देखा था, वो कौन से टाइम के थे, तो आपको पता होना चाहिए बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के बीच में जितने भी रूलर्स हैं उन सब के बीच में आपको कौन देखने को मिलेगा, आपके अमीर खुसरो। अगर आपको दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड सबको पता है 1206 से लेकर के 1526 के बीच तक, ठीक है,
ये आपको टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। तो इन्हीं के बीच में अगर आपको ये पीरियड भी याद होगा तो आप याद हो जाएगा कि बलबन के समय से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक का ही पीरियड यहाँ पे रहता है। इसी के दौरान आपको अमीर खुसरो को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, इसको स्किप मत करना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक इन्हें लेकर के एक इनके शासनकाल को अमीर खुसरो ने देखा था, जिनको कव्वाली का पिता भी कहा जाता है और म्यूजिशियन स्कॉलर और पोएट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, राज्य की कीमत पर हज यात्रा का आयोजन करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंसिस ऑफ द स्टेट वॉज। आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब। तो इनमें से वो कौन था जिसने हज यात्रा का आयोजन किया था, कौन सा वो पहला शासक था? तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और जल्दी से कमेंट करके पहले तो आप सभी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गलत ही बताइए, लेकिन आप जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं हज याद की बात करूँ, हज प्रेमी की बात करूँ, तो फर्स्ट इंडियन रूलर वो कौन थे आपके? अकबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपको? ऑप्शन नंबर सी अकबर हैं जिन्होंने हज यात्रा का आयोजन किया था। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का ये आंसर सही होगा, बहुतों का गलत होगा, बहुतों के लिए कुछ नया होगा। तो आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाओगे, और ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन से सेक्शन में वीक हो और उसको जाके पढ़ना, उसको रिवाइज करना। 2 महीने आप स्टूडेंट आपके पास अच्छे से तैयारियाँ होंगी, आप पढ़ो, प्रैक्टिस मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। किसी भी टॉपिक में कुछ भी चीज़ समझना है कमेंट करके बताओ, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी ताकि वो आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाए। आप और हम दोनों मिलके अगर कॉपरेट करके मिलकर साथ पढ़ेंगे तो 2 महीने हैं, अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अकबर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कोऑर्डिनेट द हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइड पिलग्रिमेज विद सब्सिडीज। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक लेख लिखा था? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ध्यान से समझना। हु अमंग द फॉलोइंग लेडीज रॉट अ हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो आपको बताना है मुगल पीरियड के दौरान इनमें से ऐसी कौन सी लेडी है, कौन सी वो महिला है जिसने ऐतिहासिक लेख लिखा था। आपके ऑप्शंस हैं गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहांआरा बेगम या जेबुन निरसा बेगम। तो जल्दी से बताओ मुगल पीरियड के दौरान किसने हिस्टोरिकल अकाउंट या ऐतिहासिक लेख लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुतों को ये नहीं पता होगा लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी को ये बातें पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ हमेशा नया ही सीख कर जाओगे, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में जितनी भी वीडियोस हमारी आती रहेंगी स्टूडेंट, कुछ ना कुछ आप हमेशा नया सीखोगे। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो भी आप इस वीडियो को देखो, बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मुगल के पीरियड में जो हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा था वो लेडी कौन थी, वो है आपकी गुलबदन बेगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। इसको भी समझ लेते हैं, तो गुलबदन बेगम की मैं बात करूँ तो 1523 से 1603 का इनका टाइम पीरियड है। ये पर्शियन टर्की प्रिंसेस थी और ये बेटी किसकी थी? बाबर की। आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता वो आप सबको पता है, आज के बाद तो हो ही जाएगा। और बाबर आपको पता है ये मुगल एम्पायर के क्या थे? फाउंडर थे, यानी संस्थापक थे जिन्होंने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, उन्हीं की बेटी थी ये गुलबदन बेगम। सी वॉज द मोस्ट नोन एज अ ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। तो याद रखना हुमायूं नामा भी इन्होंने ही लिखा था, द अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ अर ब्रदर हुमायूं, जो उनके भाई हुमायूं के जीवन का लेख जोखा है। तो आप सभी को पता है, तो गुलबदन बेगम ने ये बुक भी लिखी है जिसको हम हुमायूं नामा जानते हैं, और हुमायूं नामा में आप उनका जो भाई था हुमायूं, उनके लाइफ के बारे में वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। तो ये इसके अलावा आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी इसका क्वेश्चन का आंसर इजीली से दे पाएंगे। द
केव एंड रॉक कट टेम्पल एट अलोरा आर, एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर हैं। तो यहाँ पर आपको मंदिर जो है वो कौन से देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट, बौद्ध के, बौद्ध और जैन दोनों के, हिंदू या जैन, या फिर हिंदू, बौद्ध और जैन। तो बताओ एलोरा में जो गुफाएं थी और जो चट्टानें थी उनको काट कर कौन से मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, हिंदू के, या इन सब के, या किसके नहीं। तो ये आप सभी जानते हैं कि जो रॉक का टेम्पल एलोरा क्या है वो आपका क्या है, हिंदू, मुस्लिम और जैन, ठीक है। ये तीनों के टेम्पल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। इसके अलावा आपको क्या फैक्ट याद रखना है, एलोरा जो बनाया गया था स्टूडेंट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी है उसके समय पर किसने बनवाया था, वो अगर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वो आपका कृष्णा फर्स्ट, ठीक है, याद रखना कृष्णा फर्स्ट, जो कि राष्ट्रकूट का ही रूलर है, इसके समय पर आपको ये देखने को मिलेगा ये बनवाया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जहाँ पे आपको 12 बुद्धिस्ट के केव देखने को मिलेंगे, 17 हिंदू की केव देखने को मिलेंगे और 5 आपको जैन की गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, 12, 17, 5 ये याद मत रखना, बट ये याद रखना कि आपको बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन ये देखने को मिलता है, राष्ट्रकूट के टाइम पर ये टेम्पल आपको, और कृष्णा फर्स्ट ने इसको बनवाया था, ये बात भी आपको साथ ही साथ याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। आप मेरे टॉपिक जो पढ़ा है राष्ट्रकूट वाला बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो, मेडिवल में, जहाँ पे मैंने आपको राष्ट्रकूट के बारे में अच्छे से पढ़ाया है, पाल के बारे में और प्रतिहार, ये तीनों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अभी तक कितना स्कोर रहा है साथ साथ बताते भी चलो, ठीक है। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी चैनल पे आए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे। और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विज करना है आपको, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करो और वहाँ पर भी प्रैक्टिस साथ में चलती रहती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1793 के बंगाल विनिमयन का महत्व इस तथ्य में निहित है कि, क्वेश्चन पूछा गया है जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट हुआ था स्टूडेंट 1793 में, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसके फायदा जो बोल सकते हैं क्या थे। ऑप्शंस है, इसने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था, इसने केवल अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी कानून के आवेदन को ही प्रतिबंध किया था, इसने हिंदू और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को समायोजित किया था, या फिर इसने भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया था। आपको बताना है जो ये रेगुलेशन एक्ट आया था 1793, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, रेगुलेशन एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट जो है ये आपको अच्छे से करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, अपने प्रीवियस ईयर उठाओ कोई भी एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी पिछले साल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ 1793 की, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, पहले तो आपको ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1793 का जो रेगुलेशन एक्ट आया था, तो उसमें क्या होता है, हिंदू और मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ थे उसको यहाँ पर क्या किया गया था, समायोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली उस प्रणाली के उधार ली गई थी जिसका पालन किया गया था। मनसबदारी सिस्टम आपको पता है, पहला क्वेश्चन यही हो गया कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसके द्वारा ये बनाया गया, अकबर के द्वारा, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम आपको बताना है, अफगानिस्तान में, तुर्की, मंगोलिया या फारस, तो ये किसको फॉलो करता है, ठीक है। अकबर द्वारा जो ये मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी स्टूडेंट, ये किसके द्वारा ये इसको पालन किया गया था, ठीक है। आपको पता है ना, मनसब, मनसब से मतलब होता है रैंक, इससे रैंक डिसाइड होती थी, ठीक है, क्योंकि जागीरदारी और मनसबदारी ये दोनों अच्छे से पढ़ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये रैंक होता है जिसकी, जिसके पास जितनी अच्छी रैंक उसकी उतनी अच्छी पोजीशन, उतनी अच्छी चीज़ें उसके पास रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मनसबदारी जो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये उधार में ली गई थी, इसका पालन किया गया था किसके द्वारा, तो उसका ऑप्शन है मंगोलिया के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया,
मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों पे वीडियो लेकर के आऊँ तो कमेंट करके बताना कि ये वाले कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर करना है, तो मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। अगर आप लोग को क्लियर है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इनमें से किस स्मारक में एक गुंबद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज़ अ डोम विच इज़ सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में देखने को मिलता है, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो कि दिल्ली में है, और गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा स्मारक है जिस पे आपको डोम देखने को मिलता है और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है, इनमें से वो कौन सा है। तो या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल गुंबद जो कि बीजापुर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप सभी ने देखा होगा, तो ये वो मॉन्यूमेंट वो स्मारक है जो दुनिया की सबसे सबसे बड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अष्ट प्रधान एक मंत्री परिषद है, ठीक है। आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने हमारे जो हिस्ट्री में आप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हो तो उसमें आपको हर एक चीज़ देखने को मिलती है। दिल्ली सल्तनत का भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे भी मिनिस्टर्स थे, ठीक है। मौर्यन में भी मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अष्ट प्रधान एक मंत्री परिषद था किसके प्रशासन के, गुप्ता के, चौल के, विजयनगर के, या फिर मराठा के, ठीक है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन हम जल्दी ही पूरा कवर करेंगे इस चैनल पे, धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पूरी कोशिश करूँगी उन पे वीडियोस लेकर के आऊँ जिनमें आपको प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट करके बताना कि क्या किस पे वीडियो चाहते हो। तो अष्ट प्रधान एक मंत्री परिषद है तो स्टूडेंट ये विजयनगर प्रशासन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चौल के भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता में भी, मराठा के, सबके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि इस पूरे डायनेस्टी को चलाते थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 में जो विद्रोह हुआ था, तो उससे उस पर कोई असर कोई भी प्रभावित नहीं हुआ था। 1857 का रिवॉल्ट अच्छे से पढ़ के जाना, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ऑप्शन है झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, या फिर चित्तौड़। तो रिवोल्ट हुआ था 1857 में स्टूडेंट, तो इसमें से कौन सी जगह है, कौन सी टेरिटरी है जहाँ पर कोई भी असर आपको देखने को नहीं मिलता, तो वो है आपका चित्तौड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चित्तौड़ था जो इस विद्रोह की वजह से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। आप सभी जानते हैं मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा मैच जो है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको सारे बैटल्स याद होने चाहिए इंडियन हिस्ट्री के। इंडियन हिस्ट्री के मैंने सारे बैटल्स करवाए हुए हैं, आपने नहीं देखे एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट चेकआउट करो, नहीं तो बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसकी सारी वीडियोज़ देख लो, सारे वॉर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर और लोग क्लाइव के बीच में हुआ था। दूसरा है वॉन्डिवॉस का लड़ाई जो फ्रांस के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तीसरा है चलिनवाला जो कि डलडोजी और मराठा के बीच में हुआ था। और चौथा आपको दिया खरदा की लड़ाई जो कि निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है, कौन सी लड़ाई किसके बीच में हुई थी वो सही है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉन्डिवॉस की जो लड़ाई हुई थी वो फ्रांस के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ये बात बिल्कुल भी सही है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। आप लोग कमेंट करके बताओगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है वरना मैं आपको यहाँ बता देती, लेकिन आपको अब ये करना है कि बाकी के तीन किन के बीच में लड़ा गया था, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये मैं आप पे इसलिए छोड़ रही हूँ कि अगर आप खुद से करोगे, खुद से सर्च करोगे, खुद से पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी बिना मेहनत करे तो वो आपको याद नहीं रहती है। बहुत से स्टूडेंट इस बात से मेरे मानते होंगे कि हाँ मैम ये बात बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वॉन्डिवॉस का युद्ध जो है वो फ्रांस के बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और आपको ये बताना है ये जो बैटल हुआ था इसमें विजय किसने प्राप्त की थी, किसने किसको हराया था, ये चीज़ भी आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। मैंने आपको क्या कहा स्टूडेंट, वन साइडेड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं ही आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ही आपको सब कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग भी कुछ शेयर करेंगे। आप लोग ने भी पढ़ा है
तो इससे आपकी रिवीजन होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप कुछ भूल गए होंगे तो आप रिवाइज करके आएंगे, लेकिन इस कमेंट में सबका आंसर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा यानी कि ग्रीक के द्वारा, रोमन यानी कि रोमन्स के द्वारा, चाइना यानी चीन, या फिर अरब के लोगों के द्वारा। तो आपको बताना है जो ये हिंदू वर्ड है, इंडिया है, ये सबसे पहले यूज़ किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे आपके यूनानियों के द्वारा यानी कि ग्रीक के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है तो इजी, आप सबको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के हागुली का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिश या फिर ब्रिटिश। आप लोग ये जानते हो चारों वो हैं जो ब्रिटिशर्स की, यूरोपियंस की कंपनियां हैं, आप लोग हमारे इंडिया भारत में आई थी, जहाँ से हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाली के द्वारा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए बुक और ऑथर की भी बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड आपका जो बुक है ना, ऑथर से भी क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की मैं बात करूँ तो ये आपकी सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग मुझे बताओगे कि इस बुक के अंदर इन लोगों ने क्या बताया था। मैं ये कुछ होमवर्क आपको इसलिए दे रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ो देखो तो चीज़ें आपको याद होती रहीं। तो मैंने मोस्टली बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन कुछ आपके लिए भी छोड़ी हैं कि आप भी उसको करो। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी वेदों में आर्कटिक यानी कि आर्कटिक होम इन द वेदस। ये हिंदी में थोड़ा सा वर्ड को करेक्ट कर लेना, बुक का नाम बस आपको यही देखना है, बुक का नाम ठीक है यही होता है, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, लाला लाजपत के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बुक्स एंड ऑथर पे स्टूडेंट बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनवा रखी हैं, चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट को चेक करो। बहुत से स्टूडेंट को इसमें बहुत हेल्प हुई थी, हमने बहुत सारे ऑथर्स को कंप्लीट किया है। 2 महीने हैं, सबको पढ़ो। डेली आपको क्या करना है, 5 मिनट देना और रिवाइज करना है। लिख लो पहले एक तरफ, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, मैंने सबके लिखवाए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी बुक्स एंड ऑथर कराए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, सब कुछ प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, सब कुछ करो। जब वो हो जाए, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना तो मैं आगे एग्जाम से पहले एक बार और बुक्स एंड ऑथर करवाऊँगी, पूरे रिविजन कराऊँगी और साथ में साथ उसके क्वेश्चन भी करेंगे जिस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आर्कटिक होम इन द वेदास, जो ये बुक है ये बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने ये बुक लिखी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बहुत कुछ सीखा है, कुछ होमवर्क भी मैंने आप सबको दिया, तो आपका यही काम है। आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके सारी चीज़ें बताओगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं आती, आपको रिवाइज करना हुआ, जो कुछ भी नया सीखा इस क्लास के बाद, आपको उसको कंप्लीट करना है। जब भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, डेली आएगी, कोशिश तो यही रहेगी। आप लोगों का लाइक अच्छा रहा, लाइक शेयर आपने अच्छे से किया, तो चैनल पे डेली ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो आने से पहले पहले आपको क्या काम करना है, जितने भी एक वीडियो में, एक क्लास में आप क्वेश्चन पढ़ते हो, उसको करो और उसी देखो कि आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखा, किस टॉपिक में आपको वीकनेस आई, कहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ आप फंस रहे हो। आज की वीडियो में तो आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अभी मैं आपके साथ जो है स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चंस लाऊंगी, मैच द फॉलोइंग के थ्रू भी लाऊंगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन जो है और ट्रिकी होंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, तो पहली वीडियो थी तो उसके लिए आपको भी अच्छी से तैयारी करनी है, मैं आपको कराऊंगी, दोनों अच्छे से करेंगे, स्कोर अच्छा बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट के जरूर बताना कि कितना स्कोर आप लोगों ने किया, और जितना मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, आशा करती हूँ कि वो स्टूडेंट मेरे को सारे के सारे अच्छा यहाँ पे कमेंट के थ्रू बताएंगे, क्योंकि जितने भी पिछले साल के स्टूडेंट थे, सबों ने मुझे, जिन्होंने अच्छा रिस्पांस रहा, जो पढ़ते रहे, उन्होंने क्रैक कर लिया। तो आपको भी यही करना है, अच्छे से तैयारियाँ करनी है। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, प्रैक्टिस के लिए, क्विज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत अच्छे अपडेट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।